अस्सलाम वालेकुम साहब, कहाँ से वापसी है? रात के 4:30 बज रहे हैं यार। 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। यार ये एक बच्चे का मोबाइल छिन गया था हमारे इलाके में, और यहाँ आया और एसएचओ साहब के साथ सामने जो ना उन्होंने फरियाद रखी कि मुझसे दो बंदों ने जो ना मोबाइल छीन लिया है। और एसएचओ साहब ने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी और कहा कि भाई तालिब इल्म की फौरी तौर पर मदद करो। माशाल्लाह जबरदस्त। हम गए और इस बच्चे की तस्वीर भी लगी हुई है मोबाइल में, ये देखें। और इसका मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि उस बच्चे के पास रिहाइश नहीं है, वो मलीर कहीं मदरसे में कहीं रहता है, तो हमने यहीं सुला दिया था उसको और उनको यकीन दिलाया था कि तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। और ये दो बंदे भी हमने इस पर गिरफ्तार किए हैं, तो वो बच्चा सोया हुआ है, अभी उसको पता नहीं है। हम उसको अब उठाएंगे और आपको उसके तासुरात दिखाएंगे कि क्या है। आए, चलो इनको ले जाओ अंदर। यार इनको ले जाए, इन्हें लॉकअप करो, दोनों को लॉकअप कर ले, दोनों को लॉकअप करो इनको। अस्सलाम वालेकुम अफसर साहब, बच्चे क्या आ रहे हैं? सर को बोला बच्चे कह रहे हैं तुम्हारा मोबाइल छीन लिया था, ये है जबरदस्त है। पूछे यही मोबाइल करना, ये तमाम भाइयों के लिए दुआ करना, ठीक है? यही आपका मोबाइल है, यही बच्चा माशाल्लाह बहुत खुश है, ठीक है? आपके साथ मोबाइल है मेरा, यही मुझसे रास्ते में छीना गया था, तो घर में इनका तो मैं एरएस के पास आते हैं, नजरात के पास है, तो इन्होंने मेरी बहुत कहते हैं कि वो कहते हैं हेल्प किया, तो मैं इन सब की तरफ वो बहुत शुक्रगुजार हूं, शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे थोड़े से उसका मसला है, बच्चे की जबान का थोड़ा मसला है। ये जो हजरात है इंतहाई जितना मुखलिस हजरात है, मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, यकीन इन जैसे मैं इखलास था हजरात, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी उसके रिश्ते के, मुझे पहचानते ही नहीं, मैं को भी नहीं पहचानता हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ जो काम किया बहुत ही अच्छा किया, तो अल्लाह ताला को हमेशा मुबारक हो गया भैया, कोई परेशानी कोई तकलीफ।